फाइनली इतने दिनों के बाद हमारा एसी लगने जा रहा है। एक्चुअली लगा हुआ था बट इलेक्ट्रिशियन वाले भैया नहीं आ पा रहे थे क्योंकि आजकल एक दो दिन से बारिश हो रही है और बारिश में बिजली का काम करना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है। बिजली कहीं से भी लीक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो बारिशों में हम थोड़ा अवॉइड कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी का काम ना, और भैया भी आ नहीं रहे थे क्योंकि बारिश इतनी तेज और सामान इतना लाना था कि नहीं भी आ पा रहा था। तो फाइनली आज अपना स्प्लिट एसी ऑन हो जाएगा और हम गर्मी को भगाएंगे इस कमरे से और चलाएंगे एसी। जब अपना माहौल बना होता ना, ऊपर से काम करने का मजा भी आता। तो अभी हमने खरीदा स्टेबलाइजर, तो ये है स्टेबलाइजर माइक्रोटेक का। ब्लूबर्ड का सोचा था हमने लगाने के लिए बट वो मिला नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमने कहा अंकल आप माइक्रोटेक का ही ले आओ और उसको लगा दो। तो अभी स्टेबलाइजर के साथ यहाँ पे लगेगी एक MCB जो कि होगी स्प्लिट AC की, और एक MCB लगेगी पीछे वाले वॉल पे जो कि इस पूरे ऑफिस को ट्रिप करेगी। टच वुड ऐसा कुछ ना हो, अगर कुछ भी कोई शॉर्ट ब्रेक होता तो सबसे पहले वहाँ से वो ट्रिप हो जाएगी और सारी चीज़ें सेफ रहेंगी, हमारी कुछ शॉर्ट खराब नहीं होगा। भगवान का नाम लेके बस यहाँ रोज़ आते हैं कि ऐसा कोई उल्टा सीधा यहाँ पे काम होना, सब बढ़िया से हो जाए। और अभी मैंने अपना PC फिर दोबारा ढक दिया। ढका तो मैंने पिछले कुछ दिन पहले भी था बट हुआ क्या था, सारा सीमेंट उसके कीबोर्ड के अंदर घुस गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने कीबोर्ड ब्रश से साफ करा लिक्विड से, जैसे कैमरा साफ करते हैं। और अपना जो मेरे पास CCTV है जो कि है MI का, ये वाला CCTV है, लगभग मैंने 2900-3000 रुपये का ख़रीदा था। तो इसको अभी तो मैं टेबल टॉप की तरह यूज़ कर रहा था अपने CPU यूनिट के ऊपर, और अब हम इसको लगाएंगे ऊपर वॉल माउंट, जिससे इसको कोई छेड़ ना पाए और सब पे नज़र रहे कि ऑफिस में कौन काम करने आ रहा है और कौन विजिट कर रहा है, तो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। और इसमें फ़ीचर बहुत ही अच्छे हैं कि मैं अपने फ़ोन से इसमें देख सकता हूँ, इधर करके, उधर करके, ऊपर करके, नीचे करके, और जो भी पर्सन डिटेक्ट होता है जब ऑफिस बंद होता है, अंदर आते हैं कोई बाहर जाता है, तो सब इसमें डिटेक्शन रहती है। तो भी इलेक्ट्रिशियन वाले भैया आ रहे हैं और सारा वो काम करेंगे और उसके बाद हम ये अपना पसीना बहाएंगे। कर्टन रोड भी लगानी है बट अभी उनको टाइम मिला नहीं, तो कर्टन रोड आई नहीं, तो हमने सोचा था कि इस दीवार से लेके उस गेट से पहले यहाँ पर रोक देंगे और ऊपर वॉल माउंट पर वो लग जाएगा। तो जो ये एरिया ये कर्टन से हम ढक देंगे क्योंकि कर्टन अभी मैंने सिर्फ टक ऑन कर रखे हैं, जो कि जब इधर उधर करते हैं तो गिर जाते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा, रिप्रेजेंटेबल भी नहीं है। तो कर्टन रोड लगाएंगे स्टील के, जोन सी यहाँ पे सही बैठेगी वो लगा देंगे, जिससे पर्दे हम इधर उधर कर सके और सारा जो सामान है अपना निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, रखना चाहे तो रखना भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और पूरा प्रेजेंटेबल लगेगा देखने में। तो आज अपना AC का काम हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, MCB लगेंगे दो, थोड़ी वायरिंग इधर से उधर जाएगी कुछ चार्जिंग स्टेशन के लिए, तो काम कराते हैं। तो अभी सारा सेटअप हटाना पड़ रहा है, जो मेन टेबल है इसको थोड़ा आगे कर दिया क्योंकि एक मेन वायर जा रही है जो कि AC का लोड ले सके और वो सीधा अपने सब मीटर में जाएगी, यहाँ कॉर्नर से आ रही है नीचे, फिर नीचे नीचे से जाएगी पीछे, और हमने CCTV अपना MI का ऊपर लगा दिया। बाकी जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद अपना लगेगा हेलमेट स्टैंड। हेलमेट मैं ला चुका हूँ, शोए का ऊपर पड़ा, एक जैकेट राइडिंग जैकेट ये पड़ी जो कि अभी मैं फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा, तो एज अ शो पीस यहाँ पे ये पड़ी रहेगी, बिल्कुल नई जैकेट है। मैंने इसको थोड़े बहुत नहीं राइड्स पहना, लद्दाख जब मैंने गया तब पहना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी की राइड बना, बहुत सारी राइड्स में मैंने, तो ये सब जब सामने पड़ा रहेगा ना तो माइंड और अच्छा तरीके से चलेगा और बाइकिंग की पूरी यहाँ पे फील आएगी। और धीरे धीरे बहुत सारी इसमें चेंजेस करने हैं, ग्राफिटी का पूरा सोच रखा है कि शटर के ऊपर पूरा नियॉन पेंटिंग ग्राफिटी हो जो कि व्लॉग में एक अलग टेक्सचर लाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगा। तो फटाफट एक बार वायरिंग का काम कम्प्लीट रहता है और उसको आपको एक छोटा सा एक बार टूर देंगे कि ऑलमोस्ट अब हम क्या क्या काम करा चुके हैं। तो 2 घंटे की मेहनत के बाद सारा काम अपना हो चुका है, अब हम खा रहे हैं यहाँ से ठंडी ठंडी AC की हवा। अभी आप रैक्स पर देख रहे थे कि पर्दे लगे थे पर अब अभी पर्दे हमने उतार दिए क्योंकि यहाँ पे लगेगी कर्टन रॉड। तो जो इलेक्ट्रिशियन वाले भैया वो नाप ले गए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक कर्टन रॉड आएगी, फिर ऊपर से वो फास्टनर से वो कुछ रस्सी लटकती है उससे लगेगा और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो अभी अपना AC चल पड़ा फुल ठंडा ठंडा, यहाँ पे मौसम हो रखा है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि और हमने क्या क्या काम कराया है। जस्ट मेरे ऑपोजिट में हमने यहाँ पे मंदिर हैंग कर दिए दीवार के ऊपर, काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था साइड पर, और जब इलेक्ट्रिशियन वाले भैया आए थे तब ये लगा था, बट अभी भी एक काम रह गया मंदिर के अंदर, बल्ब लगना बाकी है जो कि बल्ब यहीं कहीं पड़ा है बट उनके पास वो कुछ वायर नहीं थी पतली वाली तो ये लग नहीं पाया। और मेरे इस साइड में है सबसे बेस्ट चीज़ जो कि यहाँ पे एक हेलमेट स्टैंड लगा हुआ है, उसके नीचे में राइडिंग जैकेट पड़ी हुई है। तो अभी हम धीरे धीरे इस ऑफिस को पूरा एक बाइकर स्टाइल का ऑफिस बना देंगे। यहाँ पे मेरे शोए का हेलमेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे राइनॉक्स की जैकेट लगी हुई है। ये हेलमेट मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनका भी मेरे को नाम याद नहीं बट उनके बेटे का मेरे को नाम याद है, फतेह उनका नाम था। तो उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट किया था जब आई थिंक मैं अपनी लद्दाख की राइड मार के आया था, तो उन्होंने मेरे को ये
हेलमेट गिफ्ट किया था और कुछ राइडिंग गियर्स भी साथ में थे, तो इसको मैंने बिल्कुल संभाल के रखा हुआ था। क्योंकि अभी जो मैं दूसरा हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, ये एक्सोर का हेलमेट है। इसका क्या हुआ था, वाइज़र ख़राब हो गया था, तो इसका वाइज़र मेरे को मिला नहीं, तो मैंने सोचा ये दूसरा हेलमेट ले लेते हैं। अभी फ्यूचर में अगर मेरे को इसका वाइज़र मिला तो इसको मैं फिर दोबारा यूज़ करने लग जाऊँगा। और जस्ट यहाँ पे अपना है सिल्वर प्ले बटन, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब ये देखो, यहाँ पे राइडिंग गियर्स लगे हैं, हेलमेट, जैकेट, इधर सिल्वर प्ले बटन, और अभी गोल्ड प्ले बटन इन प्रोग्रेस है, जो कि जल्द हमारे पास आ जाएगा। बट ऐसे ही मेहनत हमने करनी, और आपने चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को देना ढेर सारा प्यार। और यहाँ पे हमने अपना MI का CCTV करवा दिया वॉल माउंट, क्योंकि ये पहले पड़ा हुआ था इस CPU यूनिट के ऊपर, जो कि बार बार हिल रहा था और गिरने का भी बहुत चांसेस थे, तो हमने इसको यहाँ पर वॉल माउंट कर दिया। पूरा 360 ये घूमता है, इसके अंदर इंटरकॉम वाला भी फीचर है। अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा तो मैं सीधा यहाँ से बोल सकता हूँ, भाई इतना काम वाम कर लो, मजाक मस्ती बाद में कर लेना। और अभी क्या सीन है, तो ये कुछ मैं लाइट्स लेके आया था, ये स्ट्रिप लाइट्स कहते हैं, 5 मीटर की लाइट है, तो मैं सोच रहा हूँ शटर के बीच इसको उल्टी साइड से लगाई जाए और देखते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट लगने वाला है। तो इसको लगाते हैं और फिर लिट अप करते हैं और आपको मिलते हैं। सो गाइस, अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा ब्लू कलर का इफेक्ट आ रहा है, तो अभी हमने कुछ ऐसी क्रिएशन यहाँ पे करी है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अंधेरे में थोड़ी और ज़्यादा बढ़िया लगेगी, पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो कुछ ऐसी ये लग रही है। मैंने 5 मीटर का रोल लेके रखा हुआ था, जो कि अब थोड़ा सा यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ एक और रोल ले आऊँ और दोनों का डबल करके लगाता हूँ। एक ऐसे में लगा दूँगा, एक वहाँ से लगा दूँगा। तो कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाई तुम तो शुरू ही हो गए ऑफिस की वीडियो। तो भाई कुछ नया है, कब तक बाइक चलाएंगे? बाइक चलाएंगे बट थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि अभी ये भी हमारे लिए थोड़ी नई चीज़ है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से तरीके से डेकोरेट करेंगे और आप सभी लोगों को दिखाएंगे। तो कैसा लगा एक लाइटिंग सेटअप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना, और इस गेमिंग रिक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताना। अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा इस पूरे गेमिंग रिक के ऊपर हम बना देंगे। सो व्हाट्स ओवर रीज़न, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और जब सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन है उसको दबा दो कि जब भी हमारा नया व्लॉग आए तो आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाए। सो टिल देन राइड सेफ, दिस इज बॉर्न टू राइड साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय बाय। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलना @BTRLuck। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और कमेंट करके बताना अगर गेमिंग रिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो वही हो जाएगी। टिल देन बाय बाय।